कुछ लोगों को जिंदगी भर अक्ल कभी आती ही नहीं है। बाप और दादा के नाम पर पैसे कमाते हैं और बस वहीं तक रह जाते हैं। कश्मीर फाइल देखने के बाद लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं और कुछ लोगों को ये प्रोपेगेंडा लगता है। और इसी में एक शख्स ऐसा भी है जो बॉलीवुड का सबसे फ्लॉप एक्टर है, मतलब एक गया गुजरे एक्टर से भी कहीं ज्यादा गया गुजरा एक्टर है। यह है दारा सिंह जी के बेटे बिंदु दारा सिंह। बिंदु का ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, ये सब ढोंग है, नकली आंसू है। लोग सिनेमा घरों में नकली आंसू रो रहे हैं ताकि इस फिल्म का प्रमोशन किया जा सके। इनका ये कहना है कि थिएटर में जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू ही थे, हिंदू से ही सिख और मुसलमान पैदा हुए। हिंदुइज्म इज इंडिया और हम सब उसी का हिस्सा है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये जो आंसू रो रहे हैं उसके ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, जब थोड़ी अक्ल खुली तो उसको लाग लपेट करके इधर उधर मिक्स करके अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं कि ये इंसान नहीं बोल रहा है, बल्कि इसका जो दोस्त है सलमान खान, इसके शो में जब कपिल शर्मा यानी जिस शो को प्रोड्यूस करते हैं सलमान खान, उनके शो में जब कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट नहीं किया गया और हर तरफ से ट्रोलिंग की जा रही है, तो ये बात बिंदु दारा सिंह को बुरी लगी क्योंकि वो सलमान खान का बेहद करीबी है। देखिए, दर्द जिसे होता है उसका एहसास भी उसी को होता है। बाकी लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, अपना अपना ख्याल रखते हैं। बिंदु दारा सिंह जैसे लोग सिर्फ बकवास करना जानते हैं, बकवास के दम पर ही मीडिया में बने रहते हैं, क्योंकि बिंदु दारा सिंह जैसे लोगों को कोई पूछता नहीं है। अब किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल मिला होगा जिसके बाद ये प्रमोशन करने के चक्कर में मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के घटिया बयान दे रहा है। ये नेपोटिज्म का वो फ्लॉप प्रोडक्ट है जिसके पास ना दिमाग है, ना टैलेंट है, ना शक्ल है, ना अकल है, बस दुनिया भर का ज्ञान है जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कोई सुनता नहीं है। तो बिंदु दारा सिंह जैसे लोग, दारा सिंह जी का नाम खराब कर दिया इस बंदे ने। कहां दारा सिंह जी और कहां ये नेपोटिज्म का सबसे घटिया फ्लॉप प्रोडक्ट।